हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन वेल इनफ बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि बिहार में जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी मतलब खुशखबरी निकल के आई है। बिहार SSC की तरफ से CGL की 4th नंबर की रिक्रूटमेंट 2024 के लिए बहुत जल्द हम सभी के बीच आने वाला है। ऑफिशियली आपको अनाउंसमेंट की गई है, 6 जनवरी को एक न्यूज आया है जिसके थ्रू आपको बताया गया है कि बहुत ही जल्दी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि CGL की वैकेंसी आएगी। बंपर नंबर की सीट रहने वाली है, 2500 से 2700 के बीच आपकी सीट निकल के आएगी। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो अगर आप भी इसके लिए इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना, क्योंकि मैं तो इसमें बताने वाली हूँ भाई कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्री का क्या एग्जाम पैटर्न होगा, मेंस में आपका कैसा एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सारा कुछ बताने वाली हूं। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि BSSC CGL 4 न्यू रिक्रूटमेंट 2024 की अनाउंसमेंट कर दी गई है। सबसे पहले बता दूं कि BSSC होता क्या है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू ही ये आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ये आयोग होता है जिसके तहत आपको यहाँ पर सब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराई जाती है गवर्नमेंट जॉब के लिए। पोस्ट वाइज अगर बात करें तो CGL लेवल का है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का रहेगा। टोटल पोस्ट 2500 से 2700 के अप्रोक्स है। ये पोस्ट आपको बढ़ भी सकता है क्योंकि अभी तो बस अनाउंसमेंट की गई है, वैकेंसी आते ही हो सकता है तो आपको ज्यादा सीट के लिए वैकेंसी आए। फॉर्म की फी की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो जनरल BC EBC और EWS से ₹500 लिया जाएगा। वहीं पर अगर आप SC ST कैंडिडेट हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड, ऑल कैटेगरी फीमेल, उनसे यहाँ पर ₹135 लिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं एज की लिमिट क्या रहने वाली है। नॉर्मली जो आपकी एज होगी ना, मिनिमम 21 इयर्स टू 37 इयर्स रहेगा। मतलब जो भी कैंडिडेट 21 साल से 37 साल के बीच के होंगे सभी इलिजिबल रहेंगे। लेकिन आपको पता है कि एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, तो किनको किनको मिलेगा आइए देख लेते हैं। जनरल कैंडिडेट जो फीमेल होंगे, BC EBC का आपको रहेगा, जैसे यहाँ पर 37 इयर्स मैक्सिमम एज है तो यहाँ पर उनको 40 इयर्स मतलब 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST को यहाँ पर 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, 42 इयर्स उनके लिए मैक्सिमम एज रहेगा। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गई होगी। क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल है, ग्रेजुएट जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएशन कर रखे हैं सभी इलिजिबल रहेंगे। डजंट मैटर क्या परसेंटेज है, आर्ट साइंस कॉमर्स कोई ये मैटर नहीं करता। इंडिया के रिकॉग्नाइज बोर्ड से यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आप इलिजिबल रहने वाले हो। अब देख लेते हैं कि आपके सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी। फ्रेंड्स, योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 4 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज पे होगा प्रीलिम्स एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा होगी। उसके बाद होगा आपका मेंस एग्जाम यानी मुख्य परीक्षा, फिर होगी आपकी टाइपिंग टेस्ट, लास्टली आपका DV यानी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की जाएगी, फिर आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो चलिए ज्वाइनिंग लेटर तक जो भी प्रोसेस है हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। जैसा कि आपको बताया कि पहले स्टेज पर होगी प्री एग्जाम मतलब प्रारंभिक परीक्षा, तो आइए उसका एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। आपका जो प्री का एग्जाम होगा ना, 150 क्वेश्चंस का होगा, 600 मार्क्स के लिए, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स मिलेंगे। टाइम विल बी 2 आवर्स एंड 15 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट का आपका परीक्षा होगा। निगेटिव मार्किंग 1/4 मतलब 0.25 की निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। आइए देखिए सब्जेक्ट वाइज कितना कितना क्वेश्चंस रहेगा। जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए। जनरल साइंस एंड मैथ्स मतलब कि सामान्य आपको विज्ञान और गणित के 50 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के लिए। तो आपको समझ जाना चाहिए कि जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन और मैथ्स से पूछेगा 25 क्वेश्चन, दोनों को कंबाइन करके 50 क्वेश्चन 200 नंबर के लिए।
आपका जो लास्ट सब्जेक्ट है ना, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मतलब आपका जो मानसिक जो क्षमता होता है ना, उसका परीक्षण, सिंपली बोले तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए होंगे। सो दिस इज योर प्री एग्जाम पैटर्न, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और इसको क्वालिफाई करोगे फ्रेंड्स तो आपकी मेंस का एग्जाम होगा। तो चलिए मेंस के एग्जाम का पैटर्न आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मेंस जो होता है ना, उसमें दो पेपर होगा आपका, पेपर वन एंड पेपर टू। तो पेपर वन में क्या होता है आपका, हिंदी का एग्जाम होता है, लैंग्वेज का आपका एग्जाम होता है, क्वालिफाइंग रहेगा, 100 क्वेश्चंस का रहेगा 400 मार्क्स के लिए। टाइम यहां पर है 2 hours 15 minutes का, निगेटिव मार्किंग 1/4 विच मीन 0.25 का। ये क्वालिफाइंग है, इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स 30% रहेगा। वहीं पर पेपर टू की बात की जाए तो पेपर टू में 150 क्वेश्चन 600 मार्क्स के लिए, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स, टाइम 2 hours and 15 minutes के, निगेटिव मार्किंग 1/4 मतलब 0.25 का इसके लिए निगेटिव मार्किंग होगा। और इसमें सब्जेक्ट वाइज बात करें, जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए, जनरल साइंस एंड मैथ्स मतलब कि विज्ञान और गणित को कंबाइन करके 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए, 25-25 दोनों ही सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन होगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट मतलब रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए। सो दिस इज योर मेंस का एग्जाम पैटर्न, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मेंस क्वालिफाई करोगे तो फिर होगा क्या, आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका क्या होगा, डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और आपको पता है कि अगर आप बिहार के लिए अप्लाई करोगे तो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, तो अगर आप यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान कहीं से अप्लाई करोगे, आपको बिहार में आके एग्जाम देना होगा, क्योंकि ऑफलाइन पेपर कंडक्ट कराया जाता है। तो बिहार के डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में एग्जाम सेंटर होंगे, तो जहां पे आपका सेंटर होगा आपको आके बिहार में पेपर देना होगा, और उसके बाद आपका बिहार में ही जॉब लोकेशंस भी होगा। सो आई होप कि सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और बिहार में जब आपका जॉब लोकेशन होगा, जॉब करोगे तो सैलरी क्या मिलेगी मैं बता देती हूँ। आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी फ्रेंड्स 35,400 रुपीज से स्टार्ट होगी, आफ्टर पर्स अलाउंसेस पर ईयर की इंक्रीमेंट आपका 1,12,400 रुपीज मतलब 1,12,400 रुपए के करीब आपको सैलरी दी जाएगी। सो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको हाथ से जाने ना दे। अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, इसलिए बहुत सारी वैकेंसी अभी एक पर एक आई जा रही है, तो आप अपनी तैयारी ऐसी रखो कि किसी भी एक वैकेंसी में आप एक सीट अपना अचीव कर पाओ। और आप सोच रहे होंगे कि ये फॉर्म कब आएगा, तो 6 January के दिन ऑफिशियली BSSC के थ्रू ये नोटिफाई किया गया है, पेपर में आया था कि अब आपका ये वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है, सारा कुछ उसमें बताया गया है। उसका पेपर का कटिंग आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि आपका फॉर्म कब तक आ सकता है। तो आपका ये फॉर्म जो है फरवरी से लेके मार्च के फर्स्ट वीक तक हर हाल में ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो समय काफी कम है, तो तैयारी की स्पीड को आप बूस्ट कर लो। मैंने जो कुछ भी इसके रिगार्डिंग इस पोस्ट के बारे में डिटेल बताए हैं, अगर आपको कहीं पे भी कुछ क्वेरी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में आके पूछो। इसका जो आपको पेपर का जो कटिंग है या फिर कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी। तो मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहां पे जाके फॉलो कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करके जाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना ताकि सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।